भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती ही जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है, लेकिन इस सब के बीच कोरोना की दवा को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI से कोरोना के इलाज में हेपेटाइटिस की दवा के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। जायडस ने पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B के लिए यह मंजूरी मांगी है। कंपनी का दावा है कि हेपेटाइटिस की यह दवा कोरोना के इलाज में काफी हद तक कारगर साबित हुई है। दवा कंपनी ने इसके लिए कोरोना मरीजों पर एक अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल किया था। इस ट्रायल के तीसरे चरण में उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। कंपनी का दावा है कि इस दवा के ट्रायल में 91.15% कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 7वें दिन कोरोना जांच यानी कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। कंपनी का कहना है कि ट्रायल में हल्के लक्षण वाले मरीजों में इस दवा से ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की अवधि 84 घंटों से घटकर 56 घंटों पर आ गई है। आसान भाषा में इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी कोरोना मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे कुछ समय के लिए अलग से ऑक्सीजन लगाई जाती है। स्थिति में सुधार होने पर उसे ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा दिया जाता है। जायडस कैडिला के मुताबिक पेगिलेटेड ऑक्सीजन सपोर्ट की इस अवधि को कम कर देती है, जिससे मरीज की सेहत में सुधार होता है। कंपनी इस दवा को पेगीहेप ब्रांड नाम से मार्केट में बेचती है। जायडस का कहना है कि जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि शुरुआत में इसके इस्तेमाल से COVID-19 का मरीज ज्यादा तेजी से उभरता है, साथ ही इससे मरीज को कोई दिक्कतें भी नहीं आती। इससे पहले जायडस कैडिला ने कोरोना की जेनेरिक दवा रेमडेसिविर के दामों में काफी कटौती की थी। कंपनी ने 100 mg वाली इस दवा की एक शीशी की कीमत 899 रुपए कर दी थी। जायडस ने अगस्त 2019 में रेमडेक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। उस समय इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली इस दवा की 100 mg की शीशी का दाम 2800 रुपए था। ऐसे में यदि DCGI जायडस कैडिला की इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी देता है तो कोरोना के खिलाफ भारत की जंग और ज्यादा मजबूत हो सकती है। रुके न थके न चुके और आज दोबारा आ गए। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है, ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।